भाई इसका जो बूट स्पेस है देख रहे हो मैं पूरा घर लेके चलता हूँ अभी चार्जर सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लाया हूँ इसका जो डिस्प्ले है भाई साहब देखो जब आप बड़ी बड़ी कारें लेते हो ना फोर व्हीलर लेते हो उसमें ऐसा डिस्प्ले आता है जब जो कि ओला ने दे रखा अभी मैंने ये लगा रखा है इसी को आप टैप करके चेंज भी कर सकते हैं देखिये इधर से बोल्ट आ गया ये केयर आ गया ये एक्लिप्स आ गया ये विंटेज आ गया भाई ये चार चार पांच पांच तरीके से डिस्प्ले आप चेंज कर सकते हो डेली एक नया डिस्प्ले लगाओ और मजे करो राइड वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये स्कूटर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ओला एस वन एयर इसका मैं रिव्यू देने वाला हूं दोस्तों आप लोगों को कि मैं 6000 किलोमीटर इसको चला चुका हूं और अभी तक का मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट कर मैंने दोस्तों इसको रेंट किया था आ, 22 अप्रैल 2024 को ठीक है और अभी अगस्त आ गया फर्स्ट अगस्त हो चुका है तो मेरे को तीन महीने और कुछ दिन हुए अभी ठीक है ड्राइव करते हुए और मैंने कितना चला दिया वो आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार मैंने ऑलमोस्ट चला दिया है छः किलोमीटर ठीक है छः हजार तेईस किलोमीटर तो में एवरेज चला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी गाड़ियाँ है और हैं इसके अलावा तो इसलिए मैं इसको थोड़ा ही उतना ही चलाता हूँ जितना कि मैं ओला में चला सकूँ जी हाँ दोस्तों मैं ओला ड्राइवर ऐप की बात कर रहा हूँ मैं इस वाले व्हीकल को अपनी कमाई बढ़ाने के लिए यूज़ करता हूँ मैं ओला ओला ड्राइवर ऐप चलाता हूँ यानी कि मैं पैसेंजर्स के लिए सवा, सवारी ढोने के लिए इस ओला एस वन एयर का यूज़ करता हूँ ठीक है जिसके वजह से ये मैंने ले रखी है जी हाँ तो ये है ओला इलेक्ट्रिक रेंटल वाली है दोस्तों फाइव फाइव थाउजेंड डिपॉजिट देके मैंने ये ली थी और अब तक इसका परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत ही बढ़िया रहा है अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ ओला उबर रैपिडो से रिलेटेड इससे लेटेस्ट अपडेट आ, टूर एंड ट्रैवल और न्यू इलेक्ट्रिक या फिर कोई भी न्यू व्हीकल के बारे। ओला के कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको जानना हो मॉडल तो यहाँ पे मेंशन होता है अगर आपको नहीं पता तो ये ओला एस वन एयर है दोस्तों ये जो है मेरा वाला हब मोटर के साथ है ये तीन किलो बैटरी के साथ आती है ठीक है इसकी अगर मैं रेंज की बात करूँ तो ये मेरे को सिंगल सवारी में लगभग हंड्रेड टू हंड्रेड एंड फाइव दे दे चुका है जो कि मैं रिकॉर्डेड मेरे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा इसके अलावा मैं डबल सवारी यानी कि जिस दिन मैंने पैसेंजर के संग चलाया है पूरे दिन जीरो टू हंड्रेड सॉरी हंड्रेड टू जीरो तो मेरे को सात सौ बासठ रुपये का इसने काम निकाल के दिया है ओला में चला के और इसको मैंने एट्टी एट किलोमीटर चलाया जीरो ठीक है हंड्रेड टू जीरो में दोस्तों तो इसलिए तीन किलो वाट में अगर कोई भी कहता हो कि भाई ये सवा सौ या कुछ चलेगा तो अस्सी किलोमीटर से ज़्यादा आप कहीं नहीं चला सकते डबल सवारी हम दोस्तों इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं कि आखिर इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है देखिए ओला तो वैसे फास्ट के मामले में रफ्तार के मामले में इलेक्ट्रिक में इससे बढ़िया कोई भी गाड़ी नहीं है अगर आप स्पीड की बात करें तो परफॉर्मेंस में भी इससे बढ़िया मुझे अब तक तो कोई नहीं लगी है ठीक है बाकी हर किसी का अपना अपना चॉइस हो सकता है तो हम लोग थोड़ा इसके बिल्ड क्वालिटी की बात कर सक करते हैं देखिए पीछे जो है ये दोनों ही दो शॉकर दिए हुए पीछे और ये देखिए दो शॉकर है और जो मोटर है ये हब मोटर है दोस्तों इसमें क्योंकि इन्होंने सोचा होगा कि यार हम इसमें अपना कमर्शियल काम भी कर सकते हैं जिसकी वजह से ओला ने ये हम लोगों को रेंट पे भी दिया और हम लोग चला रहे हैं बहुत अच्छे से ठीक है थीके? तो डबल सवारी बैठेगी जिसके चलते ये इन्होंने बेस में दिया हुआ है ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके अलावा आपको सामने ये दिख रहा होगा दोस्तों ये सामने ये बैटरी है तो कभी कभी डर लगता है कि जब आप एकदम से कहीं पे जंप आता है या बम्प आता है तो ऐसा लगता है कि कहीं टकरा के बैटरी ब्लास्ट ना हो जाए या फिर डैमेज ना हो जाए अब हम इसके बॉडी की बात करते हैं ये देखिए बॉडी में क्या आता है वैसे तो मुझे अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों को आने लगी है एक तो मैं नीचे से बात करता हूँ ये देखिए बारीकी से देखेंगे अभी तो रे, रेनी सीज़न है दोस्तों ठीक है ना तो बरसात हो रही है डेली जिसके वजह से तो जंग लगना लाजमी है फिर भी थोड़ा बहुत मैं क्या करता हूँ जब भी एक दिन या दो दिन गाड़ी मेरी खड़ी रहती है तो मैं क्या कोशिश करता हूँ कि डीज़ल का स्प्रे जहाँ जहाँ पर वो नट बोल्ट है वगैरह है वहाँ पर मैं डीजल का स्प्रे मार देता हूँ तो उससे ये परफेक्ट वैसे दिक्कतें नहीं आती कि ज़्यादा जंग लगे तो देखिए ये वाले जो पार्ट्स होते हैं ना ये देख रहे हैं आप लोग मैं दिखा रहा हूँ ये ये जो पार्ट्स है ये इस तरीके से हिलने लगता है इसके अलावा बहुत से लोगों का ये जो पार्ट्स होता है ये हिलने लगता है लेकिन मैंने अपने आप बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई इसके अलावा यहाँ पे भी ये वाले पार्ट्स जो है इसके हिलने लग जाए बॉडी में तो ये दिक्कतें हैं अभी हाल फिलहाल मैंने ये चीज़ गौर किया है कि ये देखिए यहाँ पर ये रस्ट लगने लगा है क्योंकि बरसात का मौसम है ये देखिए यहाँ पे भी लगने लगा है। और क्या आपकी ओला भी 6000 किलोमीटर में ऐसे रस्ते लगने लगा है तो बताना कमेंट करके इसके अलावा इसकी एक और प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी जो हवा है वो पाँच सात दिन में आठ दिन में निकल जाता है ऑटोमेटिकली आपको रिफ़िल एयर जो है वो रिफ़िल कराते रहना पड़ेगा इसके अलावा दो, दोस्तों देखिए हब मोटर होने की वजह से आपको एक और प्रॉब्लम का सामना आने वाले कुछ सालों में करना पड़ेगा वो अभी नहीं जैसे कि क्योंकि हब मोटर है तो देखो ये ना हर कोई नहीं खोल सकता है इस चीज़ को इसको आपको इस स्पेसिफिक मैकेनिक होगा वही खोल सकता है क्योंकि ये हर कोई टायर वाला नहीं खोल सकता और चेंज नहीं कर सकता इसे फिर पंचर लगाने में दिक्कत आती है हालांकि ये ट्यूबलेस है तो पंचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी बट हाँ जब आप टायर रिप्लेसमेंट करेंगे तो दिक्कतें आएगी देखिए हाल फिलहाल हल्का हल्का यहाँ पे भी रस्ट सा दिखने लगा है मतलब ये जो टायर का कलर है ना ये रिम का जो कलर है ये उड़ जाएगा धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है तो मुझे इसका ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ पर भी हल्का सा ये होने लगा है हालांकि भी बरसात का मौसम है और इस वजह से ऐसा है अदरवाइज़ दोस्तों मैं इसको बहुत ही क्लीन और अच्छे से रखता हूँ अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके जो स्विचेस हैं इसके क्वालिटी की तो देखिए मेरे स्विचेस जो है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की तो वैसे दे ही रखा है इसके अलावा बहुत लोगों का ये शिकायत आ रहा था कि स्विच वग़ैरह अंदर चले गए या फिर दिक्कत आ गई इसी तरीके से इसमें आ रहा था बट मेरे में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है तो कहीं ना कहीं आपको स्कूटी लेने के बाद थोड़ा मैनेज करने भी आना चाहिए और हमारे अतिन भाई है वो भी चला रहे ओला को और लगभग सात हज़ार चला चुके हैं वो उनको भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई सीट है ना अभी तक तो सही थी लेकिन अभी जस्ट आज जैसे अभी आ रहा था फिर से वही दिक्कत आ गई है ये सीट जो है ये देखिए इसको बंद नहीं होगा ये मैं दबा रहा हूँ ये देखिए क्लोज़ हो गया ये छोड़ते ही ये देखो खुल गया तो ये दिक्कत अभी आने लगी और इसको दूर करना कोई दिक्कत वाली मेरे लिए परेशानी नहीं है मैं इसको स्क्रू ड्राइवर से इसको छूऊंगा और ये जो क्लिप है ये जैसे ही लगेगा इसमें ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा ठीक है इसके अलावा एक दिक्कत और अभी मेरे को आज में आ रही थी वो ये जो कि ये बटन ये लग नहीं रहा था बार बार तो इसको बस आप खींच देने से ऐसे फिर लगाओ तो लग जा रहा था हालांकि मैंने टैकेट लगा दिया था इसके अलावा दोस्तों इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपको इन बिल्ड जो है ना चार्जिंग भी दे रखे ये देखिए बारिश का मौसम है इसलिए मैं यहाँ पे टैकेट लगा रखा हूँ जिससे कि पानी वानी अंदर ना जाए ये देखिए तो चार्जिंग काम करता है कि नहीं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यू केबल जो है वो लगा दिया है ये देखेंगे आप चार्ज होने लगा है है ना चार्ज होने लगा ठीक है तो मतलब ये उतना ही चार्ज करता है जिससे कि आप अपना ऑन द गो आपकी बैटरी भी ख़त्म नहीं होगी और ज़्यादा ये चार्ज भी नहीं करके देगा बीस से पच्चीस मिनट लगातार रखे रहेंगे तो आपको दस से बारह परसेंट ये चार्ज भी करके देगा और बहुत से लोगों का चार्जर जो है वो पानी की वजह से ख़राब होता है तो मैं आप सभी को बोलूंगा अगर आप बारिश में यूज़ करते हैं कुछ तो इस तरीके के टैकेट होते हैं उसका यूज़ करो जिससे कि आपके जो भी ऐसे पॉइंट होते हैं वो पॉइंट नहीं खराब हो बाकी एक बहुत अच्छी चीज़ है इसमें दोस्तों वो है इसके स्पीकर ये दोनों स्पीकर हैं इधर एक इधर बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है मतलब जब भी मैं कभी लॉन्ग राइड पे सपोज़ में 30 40 किलोमीटर कहीं दूर चले गया घर से राइड लेकर और वहाँ से खाली आ रहा हूँ तो उस दौरान दोस्तों मैं जो मुझे मेरे प्ले में गाने हैं उसको चलाता हूँ स्लो मोशन में यह हाफ वाला हेलमेट यूज़ करते हुए आराम से गुनगुनाता हुआ आता हूँ हालाँकि मेरा वो हेलमेट मैं यूज़ करता हूँ अपने लिए बट जब आ, अकेला चलाता हूँ तो हाफ पेन था क्योंकि यार नेक पेन होने लगता है इस स्कूटी की दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज मुझे एक तो इसकी ब्रेकिंग लगती है क्योंकि उसमें वो ब्रेकिंग है जो हम नॉर्मल स्कूटी पेट्रोल वाले में मुझे लगता है शायद ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता खास करके ड्रम में मेरे ड्रम ब्रक है दोनों ही और लेकिन ब्रेकिंग ऐसा है वो डिस्क भी फेल है इसके आगे इसके अलावा इसमें रीजन का सिस्टम होता है जब भी हम स्कूटी को रोकना हो तो हम इस एक्सीटर को इस तरीके से उल्टा घुमा देते हैं तो ये ब्रेकिंग का भी काम करता है और कुछ परसेंट जो बैटरी है वो भी चार्ज हो जाता है ये तो ये चीज़ें ओला की बाकी और भी इलेक्ट्रिक में हैं तो ये मुझे बहुत पसंद है आप लोग पूछ रहे होंगे मैंने इतना कुछ तो बता दिया कि अब इसका मैं चार्जिंग नहीं बताया आप लोगों को तो दोस्त तो ये अगर आप घर पे चार्ज करते हैं तो इसको लगभग पाँच घंटे से छः घंटा लगता है जीरो टू हंड्रेड होने में और अगर आप इसको आ, ओला के चार्जिंग स्टेशन पे करते हैं तो जो फास्ट चार्ज होता है अब एक घंटे के अंदर आपको हंड्रेड कर देगा और जो हाइपर चार्जेस होते हैं हाइपर चार्जेस ओला के पूरे दिल्ली एन में कोई भी सही नहीं है मैं जहाँ भी गया हूँ सारे ख़राब पड़े हुए हैं ठीक है तो मैं कैसे चार्ज करता हूँ सबसे पहले आपको भी बता दूँ जब भी इसको चार्ज पर लगाएं तो एक चीज़ का हमेशा से ध्यान रखें दोस्तों कि गाड़ी की जो टेम्परेचर है वो हमेशा चेक करो कि हम मेरी गाड़ी का टेम्परेचर कितना है बैटरी का और मोटर का क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेक नहीं करोगे और लगा देंगे बैटरी की जो लाइफ है वो ख़त्म होती है धीरे धीरे तो चलिए मैं आपको एक बार टेम्परेचर दिखा देता हूँ देखिए बैटरी का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है मोटर मेरा 38 है तो जब भी बै बैटरी आपकी थर्टी मतलब फोटी के ऊपर अगर चले जाती है कभी भी तो भूल के भी दोस्तों इसको चार्ज पे ना लगाएं जिसके वजह से ही जो आग लगता है या बाकी प्रॉब्लम्स आती है इसी की वजह से आती है ठीक है तो इस चीज़ का हमेशा से ध्यान रखो क्योंकि हम आ, पेट्रोल नहीं यूज़ कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है भाई बारिश का मौसम है और देख रहे हो बारिश के बारिश से क्या एकदम काला बादल हो गया है टाइम भी हालाँकि साढ़े हो ही गया है बादल देखो भाई पूरा कभी भी बरस सकता है तो उससे पहले बरसे और हम फटाफट इसका रिव्यू थोड़े से और पॉइंट रह गए ख़त्म करके निकलते हैं तो अब मेरी एक बताना चाहूँगा आप लोगों को एक रॉ डेटा कि मैं 6000 किलोमीटर चला चुका हूँ तो सीधा सीधा अगर मैं अपने एक्सपल्स को चलाता तो छः या अठारह अट्ठारह हज़ार से लेकर इक्कीस हज़ार रुपये तक का पेट्रोल जाता है इसके अलावा हर छः महीने में, में, में मेरा एक्सपेल्स की जो सर्विस कॉस्ट आता है दोस्तों वो ऑन एन एवरेज पाँच हज़ार से छः हज़ार रुपये का आता है ठीक है तो इक्कीस हज़ार वो छः हज़ार वो सत्ताईस हज़ार रुपये एक्सपेंसिव मेरे हो जाते छः महीने में जो कि इसमें मेरा ये पूरा पूरा बचा है तो ये है थैंक्स टू इलेक्ट्रिक एंड थैं, थैंक्स टू ओला भाई एक लाख की गाड़ी हम लोगों को पाँच हज़ार रुपये में देने के लिए और इतना अच्छा काम करने के लिए और अगर फ्यूचर में ये गाड़ी हम लोगों को परमानेंट ओला दे देती है तो मैं तो रखूँगा लेकिन हाँ जो प्राइस नए का है क्योंकि ये नए का जो प्राइस है वो ऑन रोड नोएडा में एक लाख अट्ठारह हज़ार रुपये का आ रहा है हजार किलोमीटर में दोस्तों मैंने ओला ऐप के थ्रू कितना कमाया ड्राइविंग करके देखिए छः मतलब छः हज़ार में तो अपने एक्सपल्स में लगभग अठारह हज़ार पेट्रोल गवा देता लेकिन मैंने इससे कितना कमाया वो मैं आपको बता दूं कि लगभग आप ऑन एन एवरेज देखें वैसे तो ओला में ज़्यादातर मैंने फूड करें या कुछ तो उसमें मेरे को जो काम हुआ होगा मैं एक एवरेज रॉ बता रहा हूँ डेटा क्योंकि छः हज़ार किलोमीटर का पाँच रुपए के हिसाब से भी अगर मैं मानूं इसको मैंने फालतू एक भी किलोमीटर नहीं चलाया जो भी चलाया सिर्फ़ ओला ऐप के थ्रू ही चलाया है तो छः हज़ार किलोमीटर में मैंने इससे कमाया होगा मिनिमम मिनिमम तीस हजार रुपए ठीक है दोस्तों इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं अगर चैनल पर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग